राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन को आम आदमी पार्टी का खूब समर्थन मिल रहा है। इसी वानगी में निरंकारी बुराड़ी मैदान में मौजूद किसानों के बीच द्वारका विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज भारद्वाज भी पहुंचे। इस मौके पर मनोज भारद्वाज ने किसानों से बात की। उपाध्यक्ष मनोज भारद्वाज ने किसानों की मांग को जायज बताते हुए उनका समर्थन किया है। सर, किसान आंदोलन को लेकर के जो लोग पक्ष भी और तमाम संगठन केंद्र सरकार को आड़े आते रहे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किसान जो देश का अन्नदाता आज रोड पे है, वो उनकी मांगे जायज है। जो तीन कानून जो लाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग है वो नाराज़ है। यदि हम बात करें, क्योंकि मैं अभी किसान आंदोलन वहाँ से जाके ही आ रहा हूँ, तो वहाँ पर अलग हर एक स्टेट के, चाहे वो MP हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, सभी स्टेट के जो किसान हैं वो पहुँच रहे हैं। और सबकी मांग है कि जो ये कानून है वो तीनों कानूनों में या तो अमेंडमेंट हो या वो वापस लिए जाएँ। उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। अमित शाह ने रात ऐलान किया है, गृहमंत्री ने, कि जी आप निरंकारी कॉलोनी में आ जाइए, हम लोग आपकी बात सुनेंगे। तो क्या लग रहा है कि किसान क्यों अपने इतनी जिद पर अड़े हुए हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो वहाँ पे निरंकारी ग्राउंड में बुलाने की एक जो उनका प्लान है, वो प्लान इस आंदोलन को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्लान है। क्योंकि वो एक ऐसा ग्राउंड है जो बिल्कुल आउटर रैली में पड़ता है, जिसमें यदि कोई भी वो चाहे महीने वहाँ पर किसान पड़े रहें, आंदोलन करते रहें, चाहे 2 महीने 6 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आंदोलन तो तब होगा जब वो मेन जगह पे यदि उनको परमिशन मिलती है, और वहाँ पर बैठ के यदि वो किसान संगठनों से बातचीत करते हैं अमित शाह जी, तो उनका उनके बातचीत का स्वागत है। और बातचीत करने का भी मुद्दा क्या है, उनकी मांगे क्लियर हैं। जो ऑलरेडी जो किसान आंदोलन के जो यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं अलग अलग, उसमें उन्होंने दी हुई है मांगे, तो उसको सिंपल उसके ऊपर जवाब दे दें कि भाई हम ये मांगे आपकी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये तुरंत प्रभाव से हम ये लागू करेंगे या अमेंडमेंट करेंगे। तो सिंपल है, उनकी मांगे जायज़ हैं। देखिए, आज जो किसान है उसको उसकी जो सिचुएशन है वो समझना पड़ेगा। अभी हम एक किसान से बात कर रहे थे कि वो पिछले उत्तर प्रदेश से कोई आए हुए थे, उसने बताया कि पिछले साल के जो गन्ने का जो उत्पादन था, जो सरकारी उस पर खरीदा गया था, उसकी पेमेंट मेरे को आज तक नहीं हुई है। तो आप सोचिए कि उस किसान की हालत क्या होगी। 3-4 महीने एक किसान अपनी जी तोड़ मेहनत करके फसल उगाता है, उसके बाद यदि उसको MSP पे उसका न्यूनतम जो मूल्य है वो नहीं मिलता है, उनको औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है, और मजबूरी है उसकी कि बेचना, उसको पैसा चाहिए, तो क्या करेगा वो बेचारा, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर को कैसे चलाएगा। वहीं द्वारका विधानसभा के एजुकेशन कोऑर्डिनेटर सतीश राय का जन्मदिन भी बुराड़ी में किसानों के बीच मनाया गया। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। इसी क्रम में मनोज भारद्वाज सहित तमाम आम आदमी पार्टी के आला नेता किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। उपाध्यक्ष मनोज भारद्वाज ने दावा किया है कि वह और उनकी पार्टी किसानों के साथ हैं। नई दिल्ली बुराड़ी से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।